और स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क में। और आज आपको एक कहानी सुनाएंगे और ये रियल स्टोरी है और एक फैक्ट के बारे में भी बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिल पाए। अमोल परदेजी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि GDS टू पोस्टल असिस्टेंट जो सबका सपना होता है। एक GDS जब एंटर करता है डिपार्टमेंट में तो उसका पहला सपना जो होता है वो पोस्टल असिस्टेंट बने, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के बाद क्या होगा, इसके बाद ऑफिसर पोस्ट के लिए बाकी एग्जाम्स दे पाएंगे। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आप MTS या पोस्टमैन बन पाते हैं। ठीक है, तो PA बनना कहीं ना कहीं सबका ड्रीम होता है और उसके बाद ही तो जाके कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे। तो अब इसमें बात आ जाती है, डिपार्टमेंट का एक रूल है कि GDS टू PA में पोस्टल असिस्टेंट में GDS को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके साथ एग्जाम में MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और पोस्टमैन भी बैठता है, साथ में डिस्पैच राइटर भी बैठता है। तो इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि ये डिपार्टमेंटल है और GDS को रिजर्वेशन नहीं मिलता। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीट GDS को नहीं दी जाती, जहाँ पे भी पॉसिबल होता है खाली बच जाती है सीट वो GDS को दी जाती है। इसी केस में आज हमारा जो सिलेक्शन हुआ है हमारे कोचिंग से अमोल परदेजी का, जलगांव डिवीजन महाराष्ट्र से आप देख सकते हैं प्रमोटेड हुए हैं अभी पोस्टल असिस्टेंट में। और ये अकेले नहीं है, बहुत लोग प्रमोट हुए हैं अलग अलग जगह से, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना नॉर्मल लोग होते हैं डिपार्टमेंटल होते हैं। GDS की मात्रा कम होती है और बार बार कोशिश करने के बाद ही हो पाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 78 आए थे इनको 100 में और इन्होंने MTS का एग्ज़ाम भी पहले क्लियर किया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हम कंग्रेचुलेशन करेंगे और आप लोग भी नीचे कमेंट में ज़रूर इनको बधाई दीजिएगा। आपको एक और चीज़ बता दें तो इसकी जो उम्र होती है GDS टू PA की, ये 30 साल तक होती है। जनरल के लिए 33 होती है OBC और 35 होती है SC ST के लिए। तो आप इतने साल के अंदर ही दे सकते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर हमारा इससे ज़्यादा हो जाता है, सर्विस अभी ज्वाइनिंग क्या है, सर्विस अगर ज़्यादा हम लोग का सर्विस के अकॉर्डिंग हुआ नहीं, एज ज़्यादा हो गया, उम्र ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल प्रोसीजर होता है, आप अगर पहले MTS बन जाते हैं और या फिर आप पोस्टमैन बन जाते हैं तो आप PA का जो एग्ज़ाम है वो 50 साल तक उम्र में दे सकते हैं जनरल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना, आप किसी ना किसी तरह से PA ज़रूर बन जाएंगे। बस बात यही होती है अगर डायरेक्ट PA बन जाते हैं तो बहुत आपका उम्र जो है या फिर आपका जो सर्विस है कम लगेगा। ठीक है, 5 साल में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और हमारा क्लासेस इन्होंने ज्वाइन किया था उससे इनको बिल्कुल फ़ायदा मिला है, MTS भी क्लियर कर लिया, पोस्टमैन भी क्लियर कर लिया। ये नीचे नंबर दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा फर्स्ट में वाला बैच ज्वाइन करके पढ़ लीजिए और 20 जून को एग्ज़ाम है PA का, वो ज़रूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।